तो वेलकम बैक हो गया सबका हमारे फर्स्ट चैनल के क्यू एंड ए वीडियो में, और आज मैं देने वाला हूँ मेरे सब्सक्राइबर के कुछ सवालों के जवाब। मेरे सवालों का जवाब दो। तो बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और भाई मेरे सब्सक्राइबर ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा है कि अरे बस यार, इसका आंसर मैं यार वीडियो के एंड में दूंगा यार, इतनी जल्दी क्या जानने की, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो के एंड में जरूर दूंगा इसका आंसर। तो मैं बैठता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे यूनिक्स भाई ने। तो यूनिक भाई पूछ रहे हैं कि मेरा रियल एज क्या है, मेरा रियल नेम क्या है, मैं कहाँ पर रहता हूँ और क्या काम करता हूँ। तो यूनिक्स भाई मैं बोलना चाहूंगा कि भाई मेरी रियल एज मैं नहीं बताऊंगा, एज है 22 और मेरा रियल नेम है प्रवीण, और मैं क्या काम करता हूँ। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए सो रहा हूँ। बाय। और लास्ट क्वेश्चन कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे घर से मेट्रो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हरिदास ने, और हरिदास पूछ रहे हैं आपके कोलगेट में टूथपेस्ट है। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मेरे कोलगेट में टूथपेस्ट नहीं, मेरे टूथपेस्ट में कोलगेट है, और उस कोलगेट के अंदर है विमल, जिसे मैं रोज़ सुबह ब्रश करता हूँ, और मेरे दांत इतने मजबूत है, मैं रोज़ पत्थर उन दांतों से पत्थर तोड़ता हूँ, और जिससे मेरी साइड इनकम हो जाती है और मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। बोलो जुबान केसरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर हुसैन का, और वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड ऑन YT। तो हुसैन, मेरा अभी तक कोई यूट्यूब पे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और करंट में तो नहीं है, फ्यूचर का मुझे अभी पता नहीं, फ्यूचर में देखते हैं शायद बन जाए। क्वेश्चन पूछा हमारे माधव, और माधव भाई पूछ रहे आपके आपकी इंस्पिरेशन बताओ प्राक्स भाई। तो भाई मेरी इंस्पिरेशन है राका जोन गेमिंग। भाई जब मैंने उन्हें देखना शुरू किया था भाई, तो मेरे अंदर ना उनको देखने की ना एक लत लग गई थी, कि वो जब भी स्ट्रीम देखते थे ना तो मैं उनको ज़रूर देखता था, और क्या होता था कि जो मेरे से मिस हो जाती थी ना, मैं उस पूरी लाइव स्ट्रीम 6 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की पूरी अपने टीवी में चला के देखता था। और भाई मेरे को उनकी लाइव स्ट्रीम देखने में जो मज़ा आता था ना GTRP की, वो भाई आज तक मेरे को कोई भी स्ट्रीमर देखने के आया, मैंने आज तक कोई स्ट्रीमर को इतनी लाइव स्ट्रीम देखी सिर्फ उनके अलावा। तो मेरी इंस्पिरेशन है बिल्कुल राका जोन गेमिंग, और भाई उनसे मेरे को एक तरीके से आइडल मानता हूँ, और भाई वो मेरे को मतलब एक तरीके से गाइड भी करते हैं मतलब अपनी स्ट्रीम पे, तो वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लव यू का, और वो पूछ रहा है आपके बॉडी काउंट क्या है। तो HR सॉल्यूशन पूछ रहा है कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और स्टार्टिंग से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है सच बोलना। मैंने बोला है कि इसका आंसर मैं एंड में दूंगा, तो भाई एंड तक वेट करो यार वीडियो का। क्वेश्चन है इविल का, इविल पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर आने में क्या क्या झेला। तो इविल मैं बताना चाहूँगा, देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते किसी को, धीरे धीरे जब वो होना चालू हो जाता है ना, तो घर वालों का ना सपोर्ट मिलने लग जाता है। भाई देखो मैंने क्या किया था, देखो मैंने 1.5 साल जॉब की थी, और फिर वहाँ से सेविंग करके अपना एक PC खरीदा, क्योंकि मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने खुद ही अपनी सेविंग से खरीदा। सेविंग खरीद के मेरे को पता भी तक नहीं कि मेरे को बनाना क्या था, स्ट्रीमिंग चालू करी, पहले व्यूज़ नहीं आते थे, मैं बहुत निराश था। फिर मैंने ना धीरे धीरे, पर हार नहीं मानी मैंने, धीरे धीरे कोशिश करता रहा, बदलता रहा कंटेंट। तो और मेरे को बंदों ने बस बताया, मैंने जो जो बंदों ने बताया मेरे को वही खेलता गया, जितने भी आते थे एक दो बंदे, तो भाई मैं खेलता गया। धीरे धीरे मेरी वॉचिंग आने लगी, भाई मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे, और मेरे को उस टाइम इतनी खुशी हुई, मैंने अपने घर वालों को बताया, पर मेरे घर वालों को देखो खुशी तो हुई थी, बट उनको पता नहीं था इससे होता क्या अभी भी। बट मैंने फिर जब मेरा मोनेटाइज हुआ चैनल, तो भाई मैंने घर वालों को दिखा दिया, अब मेरी अर्निंग चालू होगी, तो उन्होंने बोले ये होगी कैसे। तो अब मेरी जब अर्निंग आती है तो मैं अपने घर वालों को दिखाता हूँ, मेरे घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, बस थोड़ा बहुत अभी भी बोलते हैं कमाओगे कितना उस जंगल में। यश पूछ रहा है हाउ मेनी वाइफ। तो यश यश मैं बताना चाहूंगा तुमको, बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा, तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। यश मेरी घर वालों ने मेरी बाल विवाह नहीं कराया था, तो मेरी कोई भी वाइफ नहीं है, और शादी हो जाएगी तुमको मैं इनविटेशन कार्ड भेज दूंगा। मैग्मा YT ने पूछा आपकी GF है, कौन सी क्लास में हो, इंस्टाग्राम चलाते हो। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो वो एंड में दूंगा मैं, सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं कौन सी क्लास में हूँ। भाई मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में पढ़ चुका हूँ, स्कूल में नहीं जाता मैं, 7 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं जो स्कूल जाऊँगा, मैं कॉलेज जाता हूँ। बिल्कुल इंस्टाग्राम चलाते हो, बिल्कुल चलाते हो यार, तुम फॉलो कर लो यार, मतलब 400 फॉलोवर तो करा दो यार, ये वीडियो जो भी देख रहा है यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ मैं, उतना रहता नहीं बट रहना चालू करूँगा। और सबसे बड़ा
क्वेश्चन ओपी गेमिंग का, आपकी जीएफ का नेम, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितने बच्चे सोते हो, आपका रियल वाइफ, घर का नेम, आपका घर का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके फ़ोन नंबर, किंग भाव का नंबर, वाईटी इनकम, सर्च हिस्ट्री। तो मेरे घर का नाम है प्रवीण, ठीक है, किंग भाव का नंबर है 91 92 और मेरा नंबर है 9911। क्या बोलते, मेरे बच्चों का नाम है विमल केसरिया लाल, दो बच्चे मेरे विमल और केसरिया लाल, और मेरी सर्च हिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल नोटी गाजियाबाद से भरी हुई है, बिल्कुल मैं तुमको सेंड करूँगा अपना पूरा कलेक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है जो सब लोगों ने पूछा है, भाई इतने बंदों ने पूछा कि मेरी जी एफ, तो मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह मेरी कोई वाइफ नहीं है, मेरा बाल विवाह नहीं हुआ, उसी तरह मेरी कोई जी एफ भी नहीं है, यानी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ सिंगल में, क्योंकि भाई किसी को मेरे को बताना नहीं पड़ता कि मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू चाहता है, मेरा बाबू त्या चल रहा है, मेरे को ये बताना नहीं पड़ता और मैं इसके लिए बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेनेजर गेमिंग ऑफिशियल ने और ये लिखते हैं कांग्रेचुलेशन फॉर 3K, थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्वेश्चन है इनका फेस रिवर, कैसे दिखता हूं मैं, लो राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, वजन देखो, मैं कैसे दिख रहा हूं, मेरे बाल देखो, पूरा चिनार लगता हूं मैं, मेरे लंबे लंबे बाल हूं मैं, फ्रॉक से जो लाइसिंग करता है नहीं हूं, कैसे दिख रहा हूं मैं, सुंदर तो हूं ना, बोल दो कर्ण करके बता देना, सुंदर तो दिखता हूँ ना। अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे अपने किंग भाऊ ने और वो लिखते हैं मेरा छोला भटूरा कब खिलाओगे। तो किंग भाऊ तुम्हारा छोला भटूरा ये रहा। किंग मुझे कमेंट करके बताना कि छोला भटूरा कैसा लगा है, और इसकी अन्य वीडियो कहीं पर करते समाप्त, क्योंकि क्वेश्चन भी हो गए समाप्त, और मैं मिलता हूँ किसी और अनदर वीडियो में। तो थैंक यू सो मच तुमने इतने क्वेश्चन पूछे और मैं परफेक्ट वीडियो नहीं बना पाया शायद से, बट अगर तुम्हें अच्छी लगी तो यार थोड़ी सी अच्छी लगी इसको लाइक कर देना, चैनल बनाया तो यार सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, और कमेंट भी बता देना, सुंदर तो दिखता हूँ ना, बता देना, बाय बाय।